हरियाणा के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज ने सोमवार को चंडीगढ़ से सिरसा और रेवाड़ी जिलों में स्थापित की गई नई कोविड 19 लैब का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उद्घाटन किया। इनके साथ ही प्रदेश में ऐसी प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाकर 23 हो गई है। उन्होंने बताया कि राज्य में अब 14 सरकारी अस्पतालों तथा मेडिकल कॉलेज में ऐसी कोविड 19 लैब स्थापित की जा चुकी है, जबकि प्रदेश के 9 निजी अस्पतालों में भी ये सुविधा दी जा रही है। इसके साथ ही राज्य के सभी जिलों में इस प्रकार के लैब स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि इन दोनों प्रयोगशालाओं के शुरू होने से राज्य में कोविड 19 टेस्ट की समीक्षा बढ़ाकर प्रतिदिन 20,000 से अधिक हो जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि शुरुआती दौर में उनके पास कोरोना जांच की सुविधा नहीं थी, बल्कि टेस्ट बाहर से करवाए जाते थे, परंतु मात्र कुछ समय में ही राज्य के विभिन्न भागों में 23 लैब स्थापित की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि 6 माह के दौरान सरकार ने कोरोना की जांच में विशेष बढ़ोतरी की है। इसके तहत मार्च में मात्र 30 लोगों की प्रतिदिन जांच की जाती थी, जो कि अप्रैल में बढ़ाकर 880, मई में 2930, जून में 4980, जुलाई में 11238 तथा अगस्त में 15291 लोगों का प्रतिदिन टेस्ट किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, सरकार प्रतिदिन अधिक से अधिक लोगों की जांच करवाने की व्यवस्था कर रही है, परंतु लोगों को भी स्वयं सुरक्षित रहना होगा। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।